तो प्रिय छात्रों, कल की क्लास में अपन ने अध्याय 12 के उदाहरण नंबर 5 तक सॉल्यूशन देख लिया था। आज उदाहरण नंबर 6 देखें। उदाहरण नंबर 6 क्या है? एओसी एक वृत्त का व्यास है। एओसी एक वृत्त का व्यास है तथा चाप AXB बराबर 1/2 चाप BYC कोण BOC ज्ञात करो। देखिए, चित्र दिया है आपको। ये वृत्त है, ये AOC वृत्त का व्यास है और ये बी बिंदु है। कोई को मिलाया गया है यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर वाई। क्या दिया है हमको, देखिए, हल कर रहे हैं हम। हल चूंकि चाप, या तो हम चाप हिंदी में लिखें या चिन्ह लगा लें, चाप AXY बराबर 1/2 चाप BYC दिया है। ये संकेत होते हैं लिखने के, गणितीय चिन्ह है। सीधी रेखा इसके ऊपर खींचे तो वो क्या होती है, जीवा होती है, और ये चाप घुमाकर लिखा जाता है। तो बराबर चाप केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करते हैं, इसलिए कोण AOB और कोण BOC, जो कोण BOC है वो AOB का क्या होगा, एक बटे दो। AOB बराबर 1/2 कोण BOC। ये जो कोण है इस कोण का क्या होगा, आधा। जब चाप आधा है तो केंद्र पर भी कोण क्या बनेगा, आधा। अब चूंकि कोण AOB प्लस कोण BOC AOB BOC बराबर क्या हो गया, 180 डिग्री रेखिक कोण युग्म। AOB का मान इसमें रख दें, इसे हम फर्स्ट कह दें। फर्स्ट से कोण AOB बराबर 1/2 कोण BOC रखने पर, तो 1/2 कोण BOC प्लस कोण BOC बराबर 180 डिग्री। तो इन दोनों को जोड़ें तो क्या हो गया, 3/2 कोण BOC बराबर 180 डिग्री। कोण BOC बराबर
ये इधर गया तो 2/3 × 180, 3 × 6 = 18, 6 × 2 = 12, तो कोण BOC बराबर कितना आ गया, 120 डिग्री। यही आपका आंसर हुआ। अब चलिए अगला उदाहरण देखिए। हो गया, अब उदाहरण नंबर अगला देखिए। देखो उदाहरण नंबर छठा आप कर सकते हैं, क्यों हमारा टाइम भी और आपका भी टाइम कीमती जा रहा है। एक्स का मान पूछा है, एक्स का मान आप इजीली निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हम चलते हैं उदाहरण नंबर 8 पर, एग्जाम्पल नंबर 8 पर। आकृति दे रखी अपन को ये, जिसमें ये वृत्त का केंद्र है O, ये BC जीवा है और क्या कह रहा है, ABC एक समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है ABC? समबाहु त्रिभुज है जिसके वृत्त का केंद्र O है। A को O से मिलाते हुए आगे बढ़ाया गया है, जो वृत्त को D पर मिलता है। कहाँ मिलता है? D पर। तो हमको दिया हुआ है एक समबाहु त्रिभुज एबीसी, समबाहु त्रिभुज एबीसी जिसके वृत्त का केंद्र, जिसके यहां पर लिख लें, अर्थात समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हों, बराबर, जिसके वृत्त का केंद्र O है। अब आगे क्या कह रहा है, वो D पर मिलता है, सिद्ध कीजिए कि OBD एक संबंध, यहां पर AO को आगे बढ़ाने पर वृत्त को D पर मिलती है, कोई दिक्कत नहीं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है आपको, कि OBD एक समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है OBD? समबाहु त्रिभुज। सिद्ध करना है त्रिभुज OBD, OBD एक समबाहु त्रिभुज है। OBD एक समबाहु त्रिभुज है। अब उपपत्ति देखिए, आप देखिए, पहले सोचिए कि ये जो त्रिभुज है OBD, इसको समबाहु सिद्ध करना है, तो OB बराबर OD। देखें चित्र को, OB क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, OD भी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है।
ओडी भी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। तो चूंकि ओ बी बराबर ओडी, ओ बी बराबर ओडी एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं ये, तो ओ बी बराबर ओडी हो गया। तो इसलिए अब किसी भी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं, इसलिए कोण ओ बी डी, ओ बी डी ये पूरा कोण और ये पूरे कोण दोनों कैसे हो गए, बराबर हो गए, कोण ओ डी बी। कोण ओ बी डी बराबर कोण ओ डी बी, ये फर्स्ट हो गया, ये क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। अब देखो त्रिभुज एबीसी कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। तो कोण ए बराबर कितना हो गया, 60 डिग्री। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री। सी बराबर कितना हो गया, 60 डिग्री। बी बराबर कितना हो गया, 60 डिग्री। अब चूंकि त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, ये कहां से है, दिया है हमको, दिया हुआ है एक समबाहु त्रिभुज एबीसी। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, इसलिए कोण सी बराबर 60 डिग्री, कोण सी बराबर 60 डिग्री। अब कोण सी 60 आ गया, देखिए इधर कोण सी 60 आ गया। अब कोण सी 60 है तो एडी भी बराबर कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। एडी भी बराबर कितना हो गया, 60 डिग्री। अतः अब कोण ए डी बी बराबर कोण सी, क्यों, एक ही वृत्तखंड के कोण है। देखिए इधर ये हमारा जीवा है, इसी ने इसका मुंह बंद कर रखा है और इसी ने इसका मुंह बंद कर रखा है, तो ये दोनों कोण कैसे हो गए, बराबर हो गए, एक ही वृत्त खंड के कोण। तो कोण ए डी बी बराबर 60 डिग्री फर्स्ट से, कोण ओ बी डी, अब देखो, या ए डी बी को अपन क्या लिख सकते हैं, कोण ओ डी बी बराबर 60 डिग्री। ए डी बी और ओ डी, ए डी और ओ डी क्या है, एक ही रेखा है, तो इसलिए ओ डी बी बराबर कितना हो गया, 60 डिग्री। फर्स्ट से देखिए कोण ओ बी डी बराबर कोण ओ डी बी और इसका मान कितना आया, 60 डिग्री। तो ये भी 60 और ये भी 60। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज ओ बी डी में, ओ बी डी में कोण ओ बी डी प्लस कोण ओ डी बी प्लस कोण बी ओ डी बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। इसका मान कितना, 60। इसका मान भी कितना, 60। तो कोण बी ओ डी बराबर 180 डिग्री।
कोण बी ओ डी बराबर 180, 60 और 60 120 माइनस 120, तो बी ओ डी भी कितना आ गया 60 डिग्री। तो बी ओ डी का प्रत्येक कोण कितना हो गया 60 डिग्री। अतः चूंकि त्रिभुज बी ओ डी का प्रत्येक कोण बराबर 60 डिग्री, अतः त्रिभुज बी ओ डी एक समबाहु त्रिभुज होगा। इसके अलावा भी और आपके पास में रास्ते हैं, इधर देखिएगा, यहां पर ये लंब नहीं है। चलो ठीक है, एक ही बहुत है, क्यों जगह जगह अपना दिमाग खपाते हो। तो ये आपका उदाहरण नंबर 8 हुआ। अब देखिए प्रश्नमाला 12.3 में, एक दो सवाल ही मैं करवाऊंगा आपको, बाकी छोटे छोटे सवाल हैं स्वयं कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला आप कर लेंगे, देखें किताब। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सत्य और असत्य पर आधारित है, ऐसे सवाल बोर्ड में नहीं आते हैं। दूसरा आप कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको समझा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, ओ त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र है। ओ त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र है। प्रश्नमाला अब अपनी आ गई है, प्रश्नमाला 12.3, पहला दूसरा आप कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, ओ त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र है। हाँ, परिकेंद्र किसे कहते हैं, परिकेंद्र, परिकेंद्र की परिभाषा, ऑर्थो सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल, त्रिभुज का परिकेंद्र किसे कहते हैं। त्रिभुज के तीनों शीर्षों से सम दूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ उस त्रिभुज का परिकेंद्र कहलाता है। तो ये कोई त्रिभुज है हमारा एबीसी जिसका परिकेंद्र ओ है, तो ओ को केंद्र मानकर हम एक वृत्त खींचें तो वो निश्चित रूप से त्रिभुज के तीनों शीर्षों से गुजरेगा। ओ त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र है, डी आधार बीसी का मध्य बिंदु है, ये इसका मध्य बिंदु हो गया डी। यदि मध्य बिंदु को हम केंद्र से मिलाएं, ये प्रमेय पढ़ी आपने, बीसी क्या है, एक जीवा है, और किसी भी जीवा के मध्य बिंदु को यदि वृत्त के केंद्र से मिलाएं तो वह उस पर लंब होती है, तो ये हमारा 90 डिग्री के कोण हो गए। तो दिया है एक त्रिभुज एबीसी जिसके वृत्त का केंद्र ओ है, अर्थात परिकेंद्र ओ है, डी बीसी का मध्य बिंदु है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है अपन को, कोण बी ओ डी बराबर कोण ए, बी ओ डी बराबर ए, ये जो कोण है इस कोण के बराबर होगा। थोड़ा सा चित्र, ओहो अरे नहीं रे, अब भी तो इसको अपन इससे मिलाते हैं, यस इसकी भी जरूरत नहीं है अपन को, रहने दें,
इसको मिला दें अपन, रचना। रचना क्या रचना की है अपन ने, ओ बी व ओ सी को मिलाया। अब देखिए थोड़ा सा पहले अपने करने से पहले इस पे अपना दिमाग घुमाइए। उपपत्ति, देखो हमें कोण ए और बी ओ डी का मान ज्ञात करना, तो पहले इन दोनों कोणों को क्या कर दें हम बराबर। और ये दोनों कोण कब बराबर होंगे, जब ये दोनों त्रिभुज कैसे हों, सर्वांग। क्या ये दोनों सर्वांग समता के लिए तैयार हैं? ओ बी बराबर ओ सी एक ही वृत्त की त्रिज्या है, बी डी बराबर डी सी दिया है, और ओ डी वह निष्ठ है, चाहे समकोण ले लो कोई सा भी लगा लो। तो त्रिभुज बी डी ओ व त्रिभुज सी डी ओ में, बोलिए फटाफट, ओ बी बराबर ओ सी, ओ बी बराबर ओ सी एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। और D मध्य बिंदु है तो BD बराबर CD, चूंकि D BC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है जो हमको दिया है, और OD बराबर OD उभय निष्ठ हो जा। तीन बातें हो गई, इसलिए त्रिभुज BDO सर्वांग सम त्रिभुज CDO, कौन सा नियम लगा है, SSS नियम। CPCT से कोण BOD बराबर कोण COD, ये हमारा फर्स्ट हो गया। या अभी चलिए, अच्छा जी, या अतः कोण बी ओ सी बराबर हम लिख सकते हैं कोण बी ओ डी प्लस कोण सी ओ डी, और कोण बी ओ डी प्लस कोण बी ओ डी। सी ओ डी किसके बराबर है, बी ओ डी के, तो कोण बी ओ सी बराबर दो कोण बी ओ डी, बात नंबर फर्स्ट। अब देखिए, अब कहां जाना चाहते हैं हम कोण ए पर, तो ए का मुंह इधर कहां जाकर बंद हुआ है, बी पर, इधर सी पर, तो कौन से चाप ने बंद किया है, बी सी ने, तो चाप बी सी द्वारा केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण कोण बी ओ सी, चाप बी सी द्वारा केंद्र पर बना कोण बी ओ सी तथा शेष परिधि पर बना कोण कोण ए है, इसलिए प्रमेय 12.8 से केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है, इसलिए कोण बी ओ सी बराबर दो कोण ए। द सेकंड फर्स्ट व सेकंड से देखिए, यह भी बी ओ सी का मान है, वो भी बी ओ सी का मान है, तो दो कोण बी ओ डी बराबर दो कोण ए,
दो से दो कटा, कोण बी ओ डी बराबर कोण ए इति सिद्धम। यही हमको सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त होता है। अब आप देखें, टाइम थोड़ा कम बचा है तो देखें और कौन सा कोण है। ये आप कर लेंगे, चौथा भी, पांचवा भी, छठा भी, सातवा, ये सारे ज्ञात करने के हैं, आप कर लेंगे। प्रश्न संख्या 8, आठ, नौ, दसवा सवाल देखें जल्दी से, थोड़ा सा इसे खत्म करें आज। 12.3 को बीच में कोई ऐसे सवाल नहीं है जो आने योग्य है। ये दसवा सवाल है जिसे मैं ले रहा हूं। देखिए क्या कह रहा है वो क्वेश्चन नंबर 10। आकृति में AOB वृत्त का व्यास, ये चित्र दिया है हमको, AOB वृत्त का व्यास है, ये व्यास हो गया CDE, C, D और E, ये बिंदु वृत्त की अर्धवृत्त पर स्थित हैं, C, D, E, ये बिंदु, कोई 3 बिंदु हैं, हमको ज्ञात करना है। इस प्रकार से सिद्ध करना है हमको, यह ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है फटाक से लिखिए, ज्ञात करना है कोण ACD प्लस कोण BED का मान ज्ञात करना है। हल करें, हल 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 हल। देखिए यहाँ पर अपन को कुछ रचना करनी है, हम एक उसको मिला दें, इसको मिला दें चाहे इसको मिला दें, ये मिला दिया तो ये कोण कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। हमको पूछा है ACD, ACD और BED। अब देखें, चूंकि ACDE एक चक्रीय चतुर्भुज है, कैसा चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं, जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित हो। तो चक्रीय चतुर्भुज के अभिमुख कोण कैसे होते हैं, संपूरक होते हैं, यानी दोनों का योग ACD प्लस कोण AED बराबर 180 डिग्री। चक्रीय चतुर्भुज के अभिमुख कोण संपूरक होते हैं, तथा कोण AEB बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। क्यों, चूंकि AB वृत्त का क्या है, व्यास है, तो ये क्या हो गया, अर्ध वृत्त में बना कोण, ये हमारा सेकंड हो गया, अर्ध वृत्त में बना कोण। समकोण होता है प्रत्येक प्रमेय करी अपन ने, फर्स्ट व सेकंड को अपन जोड़ दें, फर्स्ट व सेकंड को जोड़ दें, फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर जोड़ो कोण ACD प्लस कोण AED बराबर 100 प्लस कोण AEB बराबर 180 प्लस 90। ACD कोण ACD प्लस AED, AED और AEB दोनों को जोड़ें तो नाम क्या हो गया, कोण BED बराबर 90 180, 270 डिग्री। यही आपका आंसर है। ये क्वेश्चन आपका जो दसवा क्वेश्चन है 2019 में आया हुआ है 3 नंबर में। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।